हेलो एवरीवन, आई एम मुहिद अहमद सिद्दीकी और मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। अच्छा, अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक एंड एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और यू कैन सिंपली कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, अच्छा चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में वही डिफरेंस है जो किसमें जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए जो डिफरेंस है इनकम स्टेटमेंट बनाने में अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की यहाँ पे मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। एब्जॉर्प्शन, देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री का पार्ट बनाते हैं। जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं तो हमने उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को जो है वो हम पार्ट बनाते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ऐसा नहीं करते, और मार्जिनल कॉस्टिंग में एट मार्जिनल कॉस्ट हमारे इन्वेंट्री यूनिट्स जो है वो वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में। अब देखें यहाँ पे क्या है कि पहले इन्होंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाला है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट फ्रॉम एक्चुअल सेल्स, और यहाँ पे निकाला है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन पे चलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल निकाला मार्जिनल में, जबकि एब्जॉर्प्शन में इन्होंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाला है फ्रॉम एक्चुअल सेल। फिर इन्होंने कौन कौन सी वेरियंसेस, इन्होंने तमाम वेरियंसेस जो है वो सब एडजस्ट की, और आखिर में यहाँ पे आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, अगर फेवरेबल है तो वो ऐड हो जाएगी, और अगर एडवर्स है तो वो लेस हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल ओवरहेड तक जो वेरिएंसेस हैं वो तो हम ले रहे हैं, सेल्स मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड तक ले रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर हम इसमें एक एडजस्टमेंट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में ये कर रहे हैं कि हम बजटेड फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं। बजटेड फिक्स कॉस्ट में हम जो है फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस की एक एडजस्टमेंट कर रहा है, और फिर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारे आ गए, तो ये आखिर में हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। तो अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपने तौर पे खुद सोचें, मार्जिनल कॉस्टिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है उसको सामने रखते हुए अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को खुद सोचें तो आपको ये खुद खुद ये लॉजिक जो है ये समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और है कि देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस होती है। ठीक है ना? अच्छा, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन और सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? देखें, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, तो हम वॉल्यूम का डिफरेंस लेते हैं। वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होता है? देखें, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं पहले। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, इसमें क्या होता है कि हम बजटेड इसमें क्या होता है कि हम बजटेड सेल्स लेते हैं, बजटेड सेल्स में से हम एक्चुअल सेल्स को लेस करते हैं, यानी कि डिफरेंस लेते हैं दोनों का। ठीक है, और इसको जो है वो हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से। बिल्कुल इसी तरह, या बल्कि कह लेंगे इसके बरक्स, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट होता है, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस है। सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस में क्या होता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आ जाता है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आ जाता है। इसको अगर आप पर यूनिट लिख लें तो और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे यानी वॉल्यूम का डिफरेंस, सेल्स के वॉल्यूम का डिफरेंस, बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस, और फिर उसको हम क्या करते हैं,
उसको हम प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं या कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस आ जाती है, ये सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरियंस आ जाती है। देखिए वॉल्यूम का डिफरेंस तो हमें दोनों जगह लेना है, लेकिन जैसे नाम से जाहिर है ये कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस है तो इसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से किया मल्टीप्लाई, ये प्रॉफिट वेरियंस है तो यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब चले हम इसके ना कुछ क्वेश्चन में आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। देखें अब यहाँ पे क्या है, अ कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। कंपनी कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रही है, मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच इस्तेमाल कर रही है। लास्ट मंथ द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स वॉज हाउ मच, वॉज $10,000 एंड द फॉलोइंग वेरियंसेज अरोज। देखें ये आप पढ़ें, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। अब देखें इस स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल कहाँ पे आ रहा है, देखें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल ये आ रहा है यहाँ पे, थर्ड आइटम है मार्जिनल कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में, थर्ड आइटम है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर तमाम एडजस्टमेंट किए, सेल्स की एडजस्टमेंट, मटीरियल की, लेबर की और वेरिएबल ओवरहेड की। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल सेल हमें गिवेन है $10,000, ये हमें गिवेन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल कॉस्ट की वेरियंस ले लेंगे और इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे सेल्स प्राइस वेरियंस की। सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस, देखें सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। कैसे, इस स्टेटमेंट को देखें, देखें सेल्स बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस को ऐड किया या एडजस्ट किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल है इसके अंदर ये पहले से शामिल है, तो इसको हम जो है इसका इफेक्ट हम नहीं लेंगे। सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो एडवर्स वेरियंस है इसको लेस करना है और ये फेवरेबल वेरियंस है इसको ऐड करना है 10,000 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स दिया हुआ यहाँ पे। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स दिया हुआ कितना दिया हुआ है सर, $10,000। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके अच्छा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल 10,000 आ रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस एडवर्स है, इसको हम क्या करेंगे कि हम लेस कर देंगे -2,000, क्योंकि एडवर्स है तो इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट के ऊपर, और 500 फेवरेबल को हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस है, वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस है और यह है सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स प्राइस वेरियंस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा आगे चलते हैं, अ कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, अ कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। लास्ट मंथ व्हेन ऑल सेल्स वर एट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल वॉज हाउ मच, वॉज $50,000 एंड द फॉलोइंग वेरियंसेज अरोज। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल $50,000 था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस 3,500 एडवर्स है, फिक्स कॉस्ट वेरियंस 1,000 फेवरेबल है और सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस 2,000 फेवरेबल है। सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है,
जबकि ये जो फिक्स कॉस्ट वेरियंस है, ये 1000 फेवरेबल है, 1000 फेवरेबल है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखें यहां पे जब हम एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में जब हम एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस शामिल नहीं होती, ठीक है। तो हम फिक्स ओवरहेड वेरियंस को तो हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। रही बात सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस की, इसकी पहले से एडजस्टमेंट हो चुकी है इस 50,000 में, अब ये रह गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस। तो सिंपल इसका आंसर ये है कि हम 50,000 में से 3,500 को माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल, और इसमें से हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस को जो है वो लेस करना है, वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस को हमें जो है वो लेस करना है, इसमें से 50,000 में से माइनस करना है 3,500 को, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46,500, ये हमारा आ रहा है, ये इसको आप कर लो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल, ठीक है। यहां पे भी एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कर लो, अच्छा जी एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ये 46,500 ए इसका आंसर है 346 का। अच्छा आगे चलते हैं, इसी तरह के और क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज कैलकुलेटेड। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस इन द सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम को हम यानी हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरियंस निकालने के लिए अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो भाई सेल्स वॉल्यूम वेरियंस अगर आप इसमें स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के साथ क्या आ रहा है, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम निकालते हैं सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम निकालते हैं सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इस तरह से निकालते हैं कि हम सेल्स वॉल्यूम को लेते हैं और सेल्स वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने दिया होता मार्जिनल कॉस्टिंग तो ये चेंज होकर हो जाता स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन इसका आंसर है सी, चूंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। तो आगे चलते हैं, अ बिजनेस यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग टू कैलकुलेट वेरियंसेस, एक बिजनेस है जो मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहा है वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए। इफ दे वर टू यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द करंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सेल्स वॉल्यूम वेरियंस वुड बी हायर और द सेम। देखें अब ये यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, ये एक अच्छा सवाल है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एक बिजनेस है जो मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहा होता तो जो करंट मेथड है उससे जो द करंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, तो जो करंट मेथड है, करंट मेथड से जो सेल्स वॉल्यूम वेरियंस कैलकुलेट होती, करंट मेथड से जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट होती वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको यूं समझ लो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, क्या वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग की सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से ज्यादा है कम है, या आप ये नहीं बता सकते कि ज्यादा होगी या कम होगी या सेम ही रहेगी, ठीक है। तो देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वो हम किसकी बुनियाद पे करते हैं, वो हम प्रॉफिट की बेस पे करते हैं, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में
हम सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट से क्या होता है, या तो प्रॉफिट से ज्यादा होता है या प्रॉफिट के बराबर होता है, डिपेंडिंग ऑन द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह से होता है ना कि कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस हम मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस निकालते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट से ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ये, ए हो जाएगा इसका आंसर 362 का। मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे चलते हैं। प्राइस वेरिएंस, ये एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। व्हाट वाज द फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, देखे फिर ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की बात कर रहा है। देखें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है सेल्स वॉल्यूम हम कौन सी वेरिएंस निकालते हैं, सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं या सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना पहले आप स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो, ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है, इससे कैलकुलेट कर लें आप स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और फिर जो भी डिफरेंस इन वॉल्यूम है, जो भी डिफरेंस इन वॉल्यूम है उसको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपका आ रहा है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, आप कैसे निकालेंगे, तो ये तो आपको दी हुई है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, बल्कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे। देखें यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है पर यूनिट कितनी है, 50 है, माइनस डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, इसमें से हम माइनस करें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 16, इसमें से आप माइनस करें मटेरियल की कॉस्ट, देखें सेलिंग प्राइस दी हुई है, इसमें मटेरियल लेस करेंगे लेबर लेस करेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हम कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं लेते, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हम लेते हैं, हाँ तो 10, और एक इसके अंदर और है वेरिएबल कॉस्ट, वो है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, इसको भी हम लेस करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम तमाम जितनी भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उसको हम क्या करते हैं, तमाम वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस में से। तो यही यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से किया कि मैंने तमाम वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस में से लेस किया, तो मेरे पास स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है $19, ठीक है। अब देखें दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस ले लें, कितना है वॉल्यूम का डिफरेंस, 500 बन रहा है, क्योंकि बजटेड सेल्स है, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, बजटेड सेल कितनी है, बजटेड सेल है 3000 और एक्चुअल सेल कितनी है 3500, तो 3000 माइनस एक्चुअल सेल 3500, तो ये एक ये फेवरेबल होगी। अच्छा ये फेवरेबल इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, इसका डिफरेंस आ रहा है 500, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 500, और ये फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों फेवरेबल होगा, क्योंकि एक्चुअल सेल बजटेड से ज्यादा है, इस वजह से ये जो वेरिएंस आएगी इसकी फेवरेबल आएगी। अब 500 को मल्टीप्लाई कर दें आप 19 से, 500 को मल्टीप्लाई कर दें 19 से, तो $9,500 फेवरेबल इसका जो है वो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस। अच्छा देखें सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस, फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरियंस या सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस, कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस इस वजह से क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरियंस, देखें और यहाँ पे इसने प्रॉफिट पर यूनिट दे दिया है $5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा तेज, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसका तरीका ये है,
कि जैसे जैसे मैं अब जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे ना इस वीडियो को पॉज करके एक मरतबा ये क्वेश्चन देख लें, तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप क्या करें कि आप क्वेश्चन को ना एक मरतबा वीडियो को पॉज करके देख लें, तो इस तरह से ना आपको ये बेहतर आ जाएगा समझ में। देखिए प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, $5 है। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, $5 है यहाँ पे। और वो पूछ रहा है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। अ कंपनी यूजेस वेरिएंस एनालिसिस टू कंट्रोल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। अच्छा यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस ही निकालनी है, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट या बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो $5 है, ठीक है। अब इसमें यही करेंगे कि हम वॉल्यूम का डिफरेंस ले लेंगे। सर वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है, बजटेड सेल्स यूनिट कितने हैं, 10,000 है। एक्चुअल यूनिट सोल्ड कितने, 9,800 है। अच्छा एक्चुअल यूनिट जो है वो बजटेड यूनिट से कम है, तो ये जो वेरिएंस आएगी ये क्या आएगी, ये एडवर्स आएगी, क्योंकि एक्चुअल जो हमारी हमारी सेल है वो बजटेड से जो है, एक्चुअल वॉल्यूम हमारा बजटेड वॉल्यूम से क्या है, कम है, तो हमारी जो वेरिएंस है वो क्या हो जाएगी, एडवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले वॉल्यूम का डिफरेंस ले लेते हैं, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, इन दोनों का डिफरेंस जब हमने लिया तो ये डिफरेंस आएगा हमारे पास 1,000 माइनस, सॉरी 10,000 माइनस 9,800, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 200 आ रहा है सर, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट ले लेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट $5 है, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 1,000 हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड सॉरी सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास एडवर्स आ रही है। क्यों एडवर्स आ रही है सर, क्योंकि ये जो है ना ये एडवर्स है, इसमें क्या है, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स जो है ना वो हमारी जो है वो एक्चुअल सेल जो है चूंकि बजटेड सेल से कम है, इस वजह से ये वेरिएंस जो है ये एडवर्स है, तो 1,000 एडवर्स इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर है। अब एक आखिरी सवाल है इसका, इस सवाल में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस वुड यू फाइंड विद इन एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। अब इसने डिफरेंट वेरिएंसेस दे दिए हैं, सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, 5 डिफरेंट इसने वेरिएंसेस दे दिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी वो वेरिएंसेस हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग में होंगी और कौन सी वो वेरिएंस हैं जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होंगी। देखिए सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में होती है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम और फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी, ये वाली जो वेरिएंसेस हैं ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती हैं। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम और फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी, ये तीनों कहाँ होती हैं, ये तीनों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, बल्कि देखें मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग की जो एक स्टेटमेंट है इसके अंदर जो है फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रही है सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर ना फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है, ना फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, ना फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो ये तीनों कहाँ आती हैं, ये तीनों आएंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। रही बात सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस की, ये भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगी। इसका मतलब है कि ये चारों जो है ये आएंगी, ये चारों वेरिएंसेस कहाँ आएंगी, ये चारों वेरिएंसेस आएंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ये चारों वेरिएंसेस कहाँ आएंगी, ये चारों वेरिएंसेस आएंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। सिर्फ ये जो पहली वाली वेरिएंस है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी, मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। अच्छा अब इस वीडियो का जो बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि आपको ये जो इससे आपको पता चले कि कौन सी वेरिएंसेस हैं जिनका ताल्लुक मार्जिनल कॉस्टिंग से और कौन सी वेरिएंसेस हैं जिनका ताल्लुक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। यही वजह है कि मैंने आपको दोनों की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट शो की है। सबसे अच्छा तरीका इस तरह की वेरिएंसेस को याद रखने का ये है कि
इन वेरिएंसेस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है आपके सामने, इसको आप जो है ना वो अच्छी तरह से इसको याद रखें, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से याद रखें। फिर इसमें एक पॉइंट और है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन में सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरियंस होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अपने जहन में रखें कि सेल्स वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस में हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम का डिफरेंस यानी कि वॉल्यूम का डिफरेंस लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से करते हैं, और सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट में हम वॉल्यूम का डिफरेंस लेते हैं, उनको स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। तो ये जो है ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में होती है और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती है, और इन दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या तरीका जो है वो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। एक तो ये पॉइंट याद रखें और इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन कर लें, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपने पास आप याद रखें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके सामने अभी सॉल्व किए हैं वेरियंसेस के, ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मुहीद अहमद सिद्दीकी। लेट मी नो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। मैं जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, आप चाहें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, आप चाहें तो वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।